अक्षय कुमार इज इन बेल बॉटम दिस दैट्स इनफ रीजन फॉर एनी फैन टू गो वॉच द फिल्म. माय फादर इज लाइक सच अ बिग फैन ऑफ इट. आई एम हैप्पी दैट इट्स गेटिंग सच गुड रिस्पांस. लोगों को पसंद आ रही. आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड बाय दीज एक्टर्स. आई लव वॉचिंग देम ऑन स्क्रीन बट आई लाइक दैट मिस्ट्री एंड दैट मिस्टिकनेस इन यू नो लाइक नोइंग पीपल फ्रॉम फार. शमशेरा आ रही है और चंडीगढ़ कलाशिकी आ रही है जो मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों फिल्मों से. बहुत ही अच्छी बनी है. आई एम जस्ट होपिंग कि जल्द से सारे थिएटर्स 100% ऑक्यूपेंसी पे खुल जाए. दीज फिल्म्स कैन कम आउट. आई वुड वांट टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस. आई थिंक वो लोग अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से टिकट खरीदते हैं और हमारी पिक्चरें देखते हैं. एंड आई फील थिंक वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रिलेशन होता है. उनको कुछ पसंद आएगा वो बोल देंगे, कुछ पसंद नहीं आएगा वो तब भी बोल देंगे. So, सबसे पहले वानी बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नाव पर और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बेल बॉटम के लिए. कैसी फीलिंग है क्योंकि इट्स फाइनली कमिंग बैक बट कमिंग बैक इन थिएटर्स अगेन. क्या फीलिंग है? एक्साइटेड, नर्वस, क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यू नो एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है वेयर थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग एंड थिएटर्स हैव ओपनड अप एंड नाउ वन यू नो आई थिंक लोगों के लिए आउटिंग भी बहुत एवरेज. अगर आप इंडियन फैमिलीज की देखो उनकी आउटिंग इज गोइंग टू अ थिएटर एंड वॉचिंग अ फिल्म यू नो ऑन अ बिगर स्क्रीन विद देयर होल फैमिली विद पॉपकॉर्न्स एंड ऑल. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट गिव्स यू अ लिटिल सेंस ऑफ नॉर्मलसी. So I'm just hoping like people can go and watch the film, enjoy the film. It's a very good film and based on true life events. जी, और आपके कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ रिवील करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि वानी इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज, कुछ अगर आप रिवील करना चाहेंगे. I think it's not here reveal karne ke liye jitna maine abhi tak bola hai. She's somebody how like the production the producers have also revealed and the filmmakers have revealed about the character where she's this loving loyal sweet partner to this character that Akshay Kumar Akshay sir is playing. And she has you know that she's an individual who's you know she's a working person even back in the days you know how she used to run her own house and in the late 70s early 80s a working woman, somebody who's level headed and with a very centered core. So very different from the kind of parts that I've played before. It's not the toughest part that I've played but one of the different parts that was refreshing for me to play on screen. Definitely. And Bell Bottom has always been a special. Also, if we talk that it's shot in the pandemic completely, how was that experience while shooting it in a pandemic? It was honestly, jitni bhi worries thi, jitna bhi jo bhi dar and you know the nervousness thi pandemic ko leke. Of course, at the back of our minds rehta hai. But kyunki jo you know the whole the production and everybody took really good care of everybody and we all were very we were all in a bubble. We had all safety protocols and measures that were being taken. So luckily hum sab ghar aa gaye in good health and nobody got nobody had to fall sick and nobody got sick. Yeah. ड्रामा काफी है जो लोग पसंद कर रहे हैं पर उसी के साथ साथ केमिस्ट्री भी पसंद कर रहे हैं. दो ऐसे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आए जिसमें आप दोनों की केमिस्ट्री देख के लोगों को काफी पसंद आ रही है. क्या कहना चाहेंगे? मर जावा सकिया, काफी केमिस्ट्री पसंद कर रहे हैं. I'm happy that it's getting such good response. लोगों को पसंद आ रहा है, गाना बहुत पसंद आ रहा है और दोनों गानों की वाइब बहुत अलग अलग है. And yeah, I'm just very, very happy that, you know, the chemistry has worked. Very happy. It's also like bringing back the romance of 80s, if I'm not wrong. जी, I think वो जिस तरह की choreography भी है गाने की आपको उसमें भी थोड़ा थोड़ा लगेगा, you know, it has that retro vibe. छोटी छोटी चीजों में मतलब जब मैं भी परफॉर्म कर रही थी स्पेशली मरजावा इज द सॉन्ग सखिया 2.0 तो इज अ प्रमोशनल सॉन्ग विच इज वेरी टुडेज यू नो विद आवर नाइकी स्नीकर्स एंड दिस एंड दैट एंड वी आर यू नो इन अ वेरी टुडे वी ड्रेस्ड वेरी मॉडर्न बट मरजावा इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द फिल्म वेयर इट हैज अ वेरी रेट्रो सेंस एंड वाइब टू इट. जी, और जैसे कैरेक्टर की आपकी बात करें, फिल्म की बात करें, लोग ये तो पसंद कर रहे हैं बट आपका एक पोस्ट भी काफी वायरल हो गया था जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. The fan movement that your father had with Akshay sir. जी,
अंदर से क्या फीलिंग थी, और हैव यू एवर हैड अ फैन मूवमेंट फॉर योरसेल्फ, मतलब आपने कभी ऐसे कोई फैन मूवमेंट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? नहीं एक्चुअली. आई थिंक आई गेट इंस्पायर्ड बाय दीज एक्टर्स, आई लव वाचिंग देम ऑन स्क्रीन, बट आई लाइक दैट मिस्ट्री एंड दैट मिस्टिकनेस इन यू नो लाइक knowing people from far away, and I love that. And I'm never really like how my father is like such a big fan of this. I love watching actors, like I love watching all of these actors who I've worked with. And I feel it's a privilege for me to get an opportunity ki maine unke sath screen space share kiya hai. But aisa koi aisa particular koi aisa fan moment nahi. I've never been swayed away by anyone's fandom. Yeah. जी बेल बॉटम की जैसे क्लिप्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, काफी एक्साइटमेंट रहती है, आपको कितनी एक्साइटमेंट है, और क्या कुछ एक ग्लिम्स या फिर एक कुछ स्पॉइलर तो नहीं, बट एक कुछ हिंट अगर आप शेयर करना चाहेंगे फॉर बेल बॉटम टू फैंस तो क्या कहेंगे? आई थिंक अक्षय कुमार इज इन बेल बॉटम, दिस दैट्स इनफ रीजन फॉर एनी फैन टू गो वॉच द फिल्म. जी, और बेल बॉटम तो अभी आ रही है, आगे भी काफी सारे लाइनअप्स है, कुछ आप अगर शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? शमशेरा आ रही है और चंडीगढ़ कलाशी की आ रही है, जो मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों फिल्मों से, अच्छी बनी है. आई एम जस्ट होपिंग कि जल्द से सारे थिएटर्स 100% ऑक्युपेंसी पे खुल जाए एंड दीस फिल्म्स कैन कम आउट. जी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दीस फिल्म्स. जी, और जैसे मतलब हमने लास्ट टाइम भी पूछा था बहुत लोगों से कि फैंस को तो आपसे काफी सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं मूवीज रिगार्डिंग, बट सिंस अभी थिएटर्स खुल रहे हैं, मूवीज के चॉइसेस बदल गए, एज एन आर्टिस्ट आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है? बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग हैपनिंग एंड ऑल दैट अराउंड, और अभी सोशल मीडिया है और सब कुछ सीधा सीधा सामने दिखता है, बट एज एन आर्टिस्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फैंस or what, from social media audiences in general? I think main audiences se zyada expect, I think I would want to fulfill their expectations. I think wo log apni mehnat ki kamai ke paison se ticket khareedte hain aur hamari picture dekhte hain, and I feel you know there's good criticism and then it's trolling. To main trolling ko ignore kar rahi hu, but wo jo good criticism hota hai, jo jis tarah ki film hai unko pasand aa rahi hai, I think वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रिलेशन होता है, उनको कुछ पसंद आएगा वो बोल देंगे, कुछ पसंद नहीं आएगा वो तब भी बोल देंगे. तो आई थिंक देयर इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिस्पांस टू व्हेन इट कम्स टू एन ऑडियंस, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि मेरा काम उन्हें पसंद आए एंड होपफुली मैं ऐसी पिक्चरें करूँ और मुझे मिले और मैं उनका हिस्सा बनूँ जहाँ पे मेरा काम उन्हें और पसंद आ सके फ्यूचर में. जी, और हम सभी को पता है अक्षय सर का शूटिंग स्टाइल काफी अलग है. How was it managing that shooting schedule? बहुत actually honestly early morning भी start नहीं करते थे ग्लासगो में. I heard कि वो बहुत super early start करते हैं, but I think we used to start around 8-9 o'clock, which is still fine. Although I'm not a morning person at all, but I think once वो आपको एक rhythm मिल जाती है ना, आप रोज उठते उठते तो अपने आप ही नींद खुल जाती है उस time तक. And evenings that we used to get free, so we had time for ourselves, yeah, to relax, chill. Yeah. Any prank? Yeah, something happened. He never played any prank on me. luckily. Or set se kuch agar ek learning jo aapne seekhi hogi, because every film is a process. Kuch agar is film se seekha hoga ya set se kuch seekha hoga aapne during this film. I think working with Akshay sir only, you know, you have so much learning. He's so disciplined. अपने fitness को लेके बहुत disciplined है, अपने खाने को लेके बहुत disciplined है, अपने काम को लेके बहुत disciplined है. तो I think उनका discipline level बहुत ही high है, and that's very inspiring. जी, definitely. Any last words to fans for Bell Bottom? I just hope कि लोग जाए देखने जाए मूवी, उनको वो होपफुली अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यार से बनाई है फिल्म. प्लीज जाइए, और 19 तारीख को फिल्म लग रही है, आप प्लीज देखिए. Definitely. I'm sure जो मसाला जो एंटरटेनमेंट लोग मिस कर रहे थे वो बेल बॉटम के साथ वापस आएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. हाई, दिस इज वाणी कपूर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ.